हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक खास उपाय। यदि आपके ऊपर बहुत कर्ज है, आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं या धन प्राप्ति चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको किसी भी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा एक बहुत ही खास अवसर है, इस अवसर पर आप कर्ज से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पूर्णिमा लगी होना चाहिए शाम को। उस दिन आपको शाम को 7 बजे के बाद किसी भी भैरव मंदिर में चले जाना है। आपके घर के आसपास, गांव के आसपास यदि कोई भैरव मंदिर है तो वहां जाना है। और आपको थोड़ा सा चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर, चमेली का तेल और सिंदूर लेकर भैरव मंदिर में जाकर भैरव बाबा के चरणों में उसे अर्पित कर देना है और अपने मन की इच्छा बोल देना है। यदि आप पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कितना भी बड़ा आपके ऊपर कर्ज हो उससे मुक्ति मिलेगी, धन प्राप्ति होगी, लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी। तो पूर्णिमा पर इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।